नमस्कार, टेक्निशियन किसान के यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एचआर मीना और आज दिखा रहा हूं दोस्तों आपको, ये देखिए पेटूनिया का सीड्स लेके आया हूं मैं दुकान से। और ये इसके पेटूनिया के जो सीड्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनके फूल देखिए रंग बिरंगे होते हैं। इसमें एक ही कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा ये फूल। इसमें दो डबल पैटर्न है, ये देखिए इसमें बाहर की तरफ तो है ये वाइट और अंदर है रेड, तो इस प्रकार का ये इसी पैटर्न का इसमें फूल बनेगा। तो इसके पौधे तैयार करने के लिए हमें कौन कौन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है और किस प्रकार से बीज को हम ग्रो करते हैं जिससे कि पौधे तैयार करते हैं और बाद में फूल फ्लावरिंग के लिए तैयार करते हैं, तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम लेना है ये ऐसा पैकेट खरीद लेना है जो मैंने खरीद लिया है। और इसके लिए देखिए ये कोकोपीट देखिए दोस्तों, और कोकोपीट के साथ में ही गोबर की खड़ी छड़ी हुई खादें मिलाई है मैंने, और ये साधारण मिट्टी हमारी, ये देखिए रेत हमारी, एक तरीके से इसको इस प्रकार से मिला लेना है। ये देखिए बारीकी से ऐसे मिला लेना है ये, इस प्रकार से ये मिला लेना है, ये मिला लिए पूरा हमने बराबर इसको। मिलाने के बाद क्या करना है दोस्तों, हमें इसको मिला लिया, अच्छे से मिल गया, देखिए ऐसे मिक्सचर बन गया। इसमें हमने 70% मिलाया इसमें कोकोपीट, 30% में से 30% 20% हमने ये रेत मिलाई है और 10% हमने जो गोबर का सड़ी हुई खाद है वो मिलाई, देसी खाद, इसका मिक्सचर कर लिया। अब देखिए इसमें से ये बीज निकालता हूँ मैं अभी आपके सामने, पैकेट है ये, इसमें सीड्स आए हैं, ये देखिए इसके सीड्स, देखिए ये बहुत महंगे होते हैं, ये देखिए हम ये बहुत महंगे होते हैं, इनको ऐसे ऐसे ग्रो करना है। और उसके बाद थोड़ा बारीकी से इस पर ये मिट्टी डाल देना है, ये जो मैं तैयार किया है मिक्सचर ये इसमें डाल देना है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं डालना नहीं तो निकल नहीं पाएंगे बीज। और पानी का हमें ध्यान रखना है, पानी कैसे डालना है ये देखिए, अभी कोकोपीट को मैं रख देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ मैं। इसमें करीबन 30 से करीब बीज निकले होंगे, इसका बीज हम घर पे तैयार कर सकते हैं। पेटूनिया के पौधे के पर ये तैयार हो जाते हैं और फूल आते हैं, बीज ऐसे डालने हैं दोस्तों, पानी ऐसे डालना है लास्ट में, ये देखिए इसमें हमने कोई फंगीसाइड वगैरह नहीं मिलाया है क्योंकि सीड्स में ऑलरेडी फंगीसाइड मिला हुआ आता है, ये देखिए इस प्रकार से पानी को डालना है, डायरेक्ट पानी नहीं डालना है, इस पर हाथ लगा के डालना है, इसे मिट्टी गीला कर लेना है। इसमें ये देखिए इसको उगने में दोस्तों 10 से 15 दिन लग जाते हैं, तो ये सीजनल प्लांट्स होता है, तो सर्दियों में इन दिनों में आपको नवंबर का महीना चला स्टार्ट हो गया है और नर्सरियों में इसके पौधे आ गए हैं जिनमें फूल आ रहे हैं। कुछ सैम्पलिंग भी मैं लाया हूँ इसके दो पौधों की, वो भी लाया था लेकिन सीड्स था तो चलो मैंने ग्रो कर लेते हैं। इस प्रकार से ये देखिए पानी हो गया, पूरा पानी डाल दिया है, पानी का हमें ध्यान रखना है। अब पानी तब डालना है जब ये सूख जाए, जब ज़्यादा पानी डाले, ज़्यादा पानी डालने से भी क्या होगा कि सीड हमारा ग्रो नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप भी घर पर पेटूनिया का सीड्स से पौधे तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने किस प्रकार से पेटूनिया के सीड्स ग्रो करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे पेटूनिया के पौधे को किस प्रकार से ज़्यादा ग्रो करते हैं, अच्छे तरीके से उस ग्रोथ कैसे ग्रोथ पे लाते हैं और किस प्रकार से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। धन्यवाद।